फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये टैबलेट देख रहे हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि इस टैबलेट की मदद से किस तरह से आप अपने प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल फल पा सकते हैं, साथ ही उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। यदि आपकी प्लांट में ग्रोथ रुक गई है, प्लांट की पत्तियाँ पीली नज़र आ रही हैं, या फिर प्लांट मुरझाया हुआ सा लग रहा है और उसमें फूल नहीं बन रहे हैं, कलियाँ बनती हैं तो वो गिर जाती हैं, तो इसके लिए ये टैबलेट बहुत फ़ायदेमंद है। और इस टैबलेट की एक बार के यूज़ से ही आपके प्लांट की बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी टैबलेट है, इसके क्या फ़ायदे हैं, प्लांट में इसे किस तरह से देना है और कौन कौन से प्लांट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छी मात्रा में फूल फल पाने के लिए आप सभी को पता है कि हमें NPK फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें प्लांट को देना ज़रूरी होती हैं। सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस से प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ नहीं करता है, तो उन्हीं में से एक एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे प्लांट की जड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और यदि हम प्लांट में कैल्शियम नहीं देते हैं तो प्लांट में तनों की ग्रोथ रुक जाती है, तने कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब ब्रांचेस कमज़ोर रहेंगी तो उनमें फूल और फल नहीं लग पाते हैं, और साथ ही प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, मुरझाई हुई रहती हैं और प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके लिए आपको कैल्शियम देने के लिए मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो आपके घर में ही उपलब्ध है और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कैल्शियम होता है वो हमारे जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं, जैसे कि मोगरा है, जैस्मिन है, इन सब प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ये कैल्शियम देना। साथ ही आप सब्ज़ी वाले प्लांट में भी कैल्शियम देते हैं तो सब्ज़ी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है, उसका आकार भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम के सोर्स के रूप में ही मैं ये टैबलेट लेके आई हूँ, ये है कैल्शियम की टैबलेट। हमारे सभी के घरों में कैल्शियम की टैबलेट आती रहती है, और ये टैबलेट जब एक्सपायर्ड हो जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं, तो हमको उसको फेंकना नहीं है, उसके लिए हम प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो प्लांट को कई तरह से कैल्शियम दिया जा सकता है, जैसे कि हम चूने के द्वारा दे सकते हैं, या फिर जो जिप्सम है उसके द्वारा भी हम प्लांट को कैल्शियम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर में इस तरह की टैबलेट पड़ी हुई है तो उनको क्यों फेंकना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि इस तरह से आपके घर में टैबलेट है तो उसको आपको किस तरह से और कितनी क्वांटिटी में अपने प्लांट को देना है। तो मैंने एक कैल्शियम की टैबलेट ले ली है, ये कोई ब्रांड नहीं है, आप किसी भी तरह की जो कैल्शियम की टैबलेट आती है वो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। और मैं इस एक टैबलेट को एक गिलास पानी में घोलने के लिए रख दूँगी, 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये टैबलेट पूरी तरह से घुल जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये टैबलेट घुल गई है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें 3 लीटर पानी लेना है और उस पानी में इस कैल्शियम टैबलेट को अच्छी तरह से मिक्स करके डाल देना है। ये हमारा कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल से तैयार हो गया है। अब इसको कितनी मात्रा में देना है और कितनी बार देना है वो भी जान लें आप, और कौन कौन से प्लांट पे हम दे सकते हैं। तो आपको इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, इसकी जितनी मात्रा मैंने बताई है उसी हिसाब से आपको डाइल्यूट करके देना है। साथ ही इसे मंथ में एक बार देना है, और ये सभी प्लांट के लिए उपयोगी है, चाहे तो आप गुड़हल में डालें, मोगरा में डालें, गुलाब में डालें, या फिर सब्जियों वाले फलों वाले पौधों में डालें, सभी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये प्लांट को बहुत अच्छी तरह से कैल्शियम प्रोवाइड कराती है। तो आप अपने प्लांट में इस तरह एक्सपायर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करके भी ग्रोथ पा सकते हैं। थैंक यू।